हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रिएटिव आइडियाज़। आज की जो वीडियो है उसके टॉपिक है हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट 10 चैप्टर 19 फ्लाइंग मैन फ्रॉम बुक एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी एक्सप्लेनेशन। पर उससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फ्लाइंग मैन, उड़ने वाला आदमी। हाई, बहुत ऊंचा। सी, समुद्र। तो ये हो गए हमारी वर्ड मीनिंग। अब हम देख लेते हैं पोयम को। फ्लाइंग मैन यूनिट। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाई सो हाई। यहाँ पे जो पोएट है, यहाँ पे जो बच्चा है, वो क्या कह रहा है फ्लाइंग मैन से, कह रहे हैं कि बैटमैन होता है, स्पाइडरमैन होता है, वैसे यहाँ पे एक फ्लाइंग मैन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बच्चा फ्लाइंग मैन से कह रहा है, फ्लाइंग मैन आप इतना ऊंचा आसमान में उड़ के कहाँ जा रहे हो, आप इतना ऊंचा कहाँ उड़ रहे हो। ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, क्या माउंटेन्स के ऊपर, समुंदर के ऊपर। फ्लाइंग मैन कैन यू टेक मी। फ्लाइंग मैन से वो कह रहा है कि क्या आप मुझे भी अपने साथ ले सकते हो। यहाँ पे बच्चे ये फ्लाइंग मैन से बोल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, इतना ऊंचा आसमान में उड़कर आपको कहाँ जाना है, क्या आप पहाड़ों के ऊपर, समुद्र के ऊपर जाना चाहते हो, तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे। तो ये इस पोयम में जो है बच्चा अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है फ्लाइंग मैन के सामने। और इसी तरीके से हमारी ये पोयम होती है फिनिश। अब हम देख लेते हैं इस पोयम की समरी को। This is a poem about a flying man. This man can fly in the sky. One child asks him where he is going and asks flying man to take him over the mountains and the sea. ये कविता एक उड़ने वाली व्यक्ति के बारे में है। वह व्यक्ति आसमान में उड़ सकता है। एक बच्चा उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है और उससे कहता है कि क्या वो उसे अपने साथ पहाड़ों और समुद्र के ऊपर ले चलेगा। यही थी हमारी समरी ऑफ फ्लाइंग मैन की। और इसी के साथ हमारी समरी भी होती है फिनिश एंड वीडियो भी होती है फिनिश। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।